नमस्कार। आज का बाइबल अध्ययन सभोपदेशक तीसरी अध्याय का 11वीं पद में यह लिखा है कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। सभोपदेशक तीसरी अध्याय में राजा सुलेमान लिखते हैं कि हर चीज के लिए समय है। उन्होंने यह भी लिखा है कि हमें जीवन जीने के दौरान एक अच्छी जिंदगी जीने की जरूरत है। दूसरे से लेकर 8वीं वचन हमें दिखाते हैं कि हम परिवर्तन के दुनिया में रहते हैं। हमारे आसपास होने वाली समय की कई घटनाएं एक दूसरे से अलग होती हैं। इसमें अच्छे और बुरे दोनों समय शामिल हैं। लेकिन फिर 11वीं पद कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। सुलेमान उन सभी परिवर्तनों में परमेश्वर का हाथ मानता है। ऐसी स्थितियां जो कठिन होती हैं, बाद में समय के दौरान आशीर्वाद की तरह लग सकती हैं। रोमियो उसका 8वीं अध्याय का 28 आयत बताता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सुलेमान बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के दिलों में अनंत काल रखा है। फिर वो लिखते हैं कि लोग शुरू से अंत तक परमेश्वर के कार्यों का पता नहीं लगा सकते हैं। मानव जाति के ज्ञान में भारी प्रगति के बावजूद परमेश्वर के कार्य और तरीके उसके लिए रहस्यमय हैं। जब कोई चित्र बनने की प्रक्रिया में होती है तब वह हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बार जब कलाकार चित्र को पूरा कर लेता है तो यह अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी हम अपने भविष्य को लेकर भ्रमित या शंकित हो सकते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर हमें धैर्य के साथ रहने और उस पर पूरा भरोसा रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो अपने समय में सभी चीज़ों को सुंदर बना देगा। यह परमेश्वर है जो उद्देश्य जानता है और पहले से ही पूरी तस्वीर देखता है। भजन संहिता 31 अध्याय का 14 और 15 पद में दाऊद कहते हैं, मैं तुझ पर ही भरोसा करता हूँ, मैं कहता हूँ तू ही मेरा परमेश्वर है, मेरा जीवन काल तेरे हाथ में है। फिलिपियों उसकी पहली अध्याय 6 आयत में यह लिखा है कि परमेश्वर उस कार्य को निश्चय रूप से पूरा करेगा जिसे उसने शुरू किया है। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए जो अद्भुत योजना बनाई है उसे पूरा करेगा, वो आपके जीवन में भी करेगा। आमेन। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आगे आने वाली वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी पर क्लिक करें। यदि आपने पहले ही सब्सक्राइब किए हुए हैं तो धन्यवाद। कृपया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस बाइबल अध्ययन पर अपने विचार और सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें भेजें। धन्यवाद।